भैया ना, सगाई में तुम दोनों की जोड़ी बड़ी फूटरी लग रही थी। देखना, ब्याह में ना तुम दोनों की जोड़ी एकदम शिवजी और पार्वती जैसी लगेगी। जी, सासरे की तरफ से हल्दी लेकर आए। तुम दोनों की माँ और भाभी ना है ना, तो क्या फर्क पड़े? मैं भी तो तुम दोनों की माँ जैसी ही हूं ना। चल, मैं जे रस्म पूरी कर देती हूँ। ले, मैं थारे को लगा देती हूँ। बाबा रुकिए, के हो कुछ बात अगर थारे मन में है तो निसंकोच बता सके है तुम्हारे को, बोल ना। भाभो, मुझे लगता है कि सूरज जी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। वो इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये शादी ब्याह जैसे रिश्ते ना मन से बनते हैं। जोर जबरदस्ती हम इन रिश्तों पर करें तो वो तो ठीक नहीं है ना। इसलिए ऐसे रिश्तों को हमेशा मन से ही बनने देना चाहिए। जानू मैं, सूरज की कही हुई बात तारे को बुरी लग गई। तू गलत ना है, थारी जगह कोई और होती तो उसे भी बुरा लगता। मार सूरज, संध्या बिन्नी से बहुत प्रेम करे तू। मारे सूरज ने हर रिश्ता बड़ी ईमानदारी से निभाया है। उसे थोड़ा टेम दे दे जी रिश्ता समझने के लिए। फिर देखना, जे रिश्ता भी बुरा ना लगेगा। मैं थारे को वचन देती हूँ। सारी रात सोचा मैंने बाबू। बार बार खुद से सिर्फ एक ही सवाल किया कि क्या जो मैं करने जा रही हूँ वो ठीक है, पर हर बार मेरे मन से बस एक ही जवाब आया, नहीं। शायद कहीं कुछ गलत हो रहा है। मुझे मेरे कदम पीछे खींच लेने चाहिए। और भाभो, मैंने अब यही फैसला किया है कि मैं अब इस रिश्ते को और आके नहीं, नहीं, ना, ऐसी अशुभ बात ना अपने मुंह से मना निकाल। थोड़ा सा समय दे अपने आप, इस माँ के वचन पर भरोसा रख। थारा मन का वहम ना थारे सवालों का गलत जवाब दे रहा है। एक बार फिर सोच ले, मैं थारे जवाब का इंतजार करूंगी। खुश रहे। Thank you.
सूरज जी का खत। बाबू तो लालिमा के घर से आने के बाद से ही मुंह पे ताला जड़े बैठी हैं। मेरा लिखा हुआ लेटर लालिमा ने पढ़ा या नहीं? अगर उसने अब तक पढ़ लिया है तो इस शादी को टूटने से अब कोई ना रोक सके है। कैसे पता लगाऊं? बाबू से पूछ लेती हूँ। बाबू, मैं क्या कह रही थी कि वो कल हमें जयपुर जाना है ना, वो शेठ जी का ब्याह है तो सारा सामान जचाना है, तो आपने मुझे बताया ही नहीं। अब मैं क्या कह रही थी कि मुझसे आवाज भी ना निकल रही भाबो की। लगता है मेरी चिट्ठी ने काम कर दिया, सदमे में है भाबो। अबो, वो लोकेश जी का फोन आया था, सामान भिजवा रहे हैं। सामान वापस भिजवा रहे हैं, कहीं शगुन का सामान तो नहीं लौटा रहे? इसका मतलब कि सच में जब ब्याह टूट, कौन सा सामान भिजवा रहे हैं? शगुन का सामान वापस आ गया दिखता है, मतलब जेठ जी नहीं चढ़ रहे घोड़ी, मिल रहे हैं 5 लाख। हाथ में आते ही मैं घोड़ी बन के नाचूंगी। भाजी, ये सामान लोकेश जी ने भिजवाया। आप आइए आइए, इधर रख दीजिए। मीना बेटी, सामान जचाने की तैयारी कर ले, कल जयपुर निकलना है। के कहा बाबू? मारे तो कान बज रहे हैं। हाँ बेटी, सूरज के सासरी से ना सूरज का शगुन आ गया है। चालने की तैयारी कर। शगुन आ गया? वो कैसे? हाय राम, हाय मरी मरी मरी, जीत जी के ब्याह का शगुन आ गया? जी कैसे हो सकता है? चिट्ठी पढ़ने के बाद भी कोई असर ना पड़ा उस पे? मारे 5 लाख रुपए। हेलो, जी हाँ, मैं बात कर रहा था। बाबू, वो लालिमा भाभी का फोन है, बात करना चाहती हैं तेरे से। लाते। प्रणाम बाबू। प्रणाम। बाबू, आपने ठीक कहा था कि मुझे मेरे फैसले पर फिर से सोचना चाहिए, और मैंने सोचा, बहुत सोचा बाबू, और मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब भी मिल गए। मेरी सारी उलझनें दूर हो गई हैं। मैं समझ सकती हूँ कि सूरज जी को इन सब में से निकलने के लिए समय चाहिए,
वैसे भी भाभो, हमें भी तो हमारा छोटे से छोटा घाव भरने के लिए वक्त चाहिए होता है। तो ये तो मैं सब्र करूंगी। और अब मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे सूरज जी भी इस रिश्ते से जुड़ना चाहते हैं। मैं आपके घर का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूँ बाबू। तारे मुंह में घी सककर भी तुम दोनों की जोड़ी पर ना सदा ठाकुर जी का आशीर्वाद। लाली माँ, तारे बिना हमारा परिवार अधूरा। मारे घर की लक्ष्मी बढ़कर आ जाए, मारा घर परिवार भी पूरा हो जाएगा। अरे तो कुछ समझ को नहीं आ रहा। अरे ये लाली माँ चीज के है। मैंने चिट्ठी लिख के दी, वहां छुपा के दी और ऐसी जगह रखी थी कि वो पढ़ती है ना, पढ़ के भी हाँ करती। कहीं ऐसा तो नहीं तो चिट्ठी पढ़ी को नहीं, ऐसा ही हुआ होगा। चिट्ठी पढ़ी ही नहीं होगी तभी तो पागल से कौन ब्याह करने के लिए राजी होगा। मीना भाभी, लालिमा ने लेटर पढ़ा जरूर, लेकिन आपका लिखा हुआ नहीं, मेरा लिखा हुआ। सॉरी भाभी, आपकी चाल कामयाब नहीं होने दे सकता। आपका शादी तोड़ने का मकसद चाहे जो मर्जी हो, लेकिन मेरी शादी करवाने का मकसद एक ही है, वो है बाइक, जिसे मैं हाथ से नहीं निकलने दे सकता। अरे एक ग्राहक है, वो बता रही थी कि भीलवाड़े के पास में एक आयुर्वेदिक सेंटर है जहाँ पे ऐसे लोगों का ना इलाज होता है। हमें ना एक चिट्ठी में जेठ जी के बारे में सब कुछ बताना है, वो कितने बीमार है, उन्हें के हुआ है। सूरज राठी की पत्नी संध्या राठी है, उनकी अचानक मृत्यु के कारण वो गहरे सदमे में चले गए और उस सदमे के कारण उन्हें पागलपन के दौरे भी आते हैं। मीना भाभी की अच्छाई पता नहीं क्यों हजम नहीं हो रही। इस लेटर के पीछे जरूर इनका कोई स्वार्थ छिपा होगा, नजर रखनी पड़ेगी। लालिमा जी, मैं अपने बर्ताव के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, पर अपने बीते हुए कल को भुलाने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। के लिए लेटर बदलना घाटे का सौदा नहीं है। ओ दिया और बाती हम। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।